और इस तरीके से फुल फ्लैज मतलब एकदम बढ़िया जो चेयर होती है ना वैसे आप ओपन कर सकते हो। भाई तेरी चेयर तो मस्त है यार, कितने की ली? भाई सिर्फ 5300 रुपए की ली है? और तेरी कितने की है? मैंने तो भाई ये वाली चेयर 18,000 रुपए की ली थी। तो बताना भाई कहाँ से ली तूने यार इतनी मस्त चेयर, वो भी इतने सस्ते प्राइस में। तो चल मैं बताता हूँ तुझे मैंने ये चेयर कितने की ली और भाई कहाँ से ली और उसके अच्छे फीचर क्या है और बुरे फीचर क्या है सारी बात बताता हूँ। तो दोस्तों इस चेयर के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब ये वो आई थी ना तो उसका एक एक्सपीरियंस डाल देता हूँ ताकि सारी चीजें मैं बता पाऊँ और बॉक्स के अंदर क्या क्या था ना वो डिटेल में आप सुन लो, उसके बाद इसकी बात करते हैं। तो अपने चैनल पे दो चेयर आ चुकी है पहले भी और भाई एक और चेयर की अनबॉक्सिंग है तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। इस कंडीशन में आई है, अमेजोन से हमने बाय करी है, लेट्स सी कैसी दिखती है। सबसे पहले हमें मिला है इसका हैंडल और ये ऐसे कुछ निकलता है, दूसरा भी हैंडल मिल गया है, आर्म रेस्ट बोलते हैं इसको। वैसे तो ये गेमिंग चेयर है, लेट्स सी भाई ये पीछे की सीट मिल गई हमें और ये बैठने वाली सीट मिल गई हमें, ये नीचे का पायदान है भाई जिसपे चेयर टिकेगी और ये गन मिल गई है इसके साथ हमें, मुझे नहीं पता ये टी पॉइंट क्या काम करेगा। भाई ये मिल गया सॉफ्ट सॉफ्ट तकिया और दोस्तों यहाँ पर है एक अचंभित चीज, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है भाई, पहली बार है मेरी जिंदगी में, आई डोंट नो क्या चीज़ है, लगा के बताऊंगा मैं आपको। और दोस्तों एक और चीज़ मिल गई यहाँ पर, एपेक्स क्रूसेडर, पता नहीं ये शायद कमर में लगाना, हाँ ये भाई पीछे लगाने का काम आएगा कमर के लिए। और पिटारे में एक चीज़ और मिली है गुप्त तरीके से, हमने यहाँ पर खोज मारी है भाई, जितने भी नट बोल्ट पाने वाने जो भी है ना वो सब कुछ इसके अंदर है, बाकी ये सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है भाई। और नज़र मार लो एक बारी और इसे असेंबल कर लेते हैं हम जल्दी से। अब इस चेयर के बारे में जो अच्छी चीज है ना वो भी बताता हूँ और इस चेयर के बारे में जो बुरी चीज है ना वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो अच्छी चीज है ना वो है इसका प्राइस, भाई 5300 रुपए के अंदर कार्ड ऑफर के साथ मैंने बाय करी है, अभी ये 7-1000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। दूसरी जो अच्छी चीज है वो इसका कम्फर्ट लेवल, मैं कहूंगा अमूमन जो होता है ना गेमिंग जो चेयर होती है भाई इतनी कम्फर्टेबल नहीं होती और ये भी बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है, लेकिन 5300 रुपए के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ भाई ठीक ठाक आपको कम्फर्ट मिल जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज लगी ना वो मुझे लगी भाई ये रिक्लाइनर की तरह भाई ओपन हो जाता है और इस तरीके से ना भाई आप ऐसे बैठ सकते हो और भाई सही एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब अगर थक रहे हो ना तो थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हो। और जो चौथी चीज़ है वो यही है कि भाई आप इसके इसको पीछे तक ऐसे ले जा सकते हो और इस तरीके से फुल फ्लैज मतलब एकदम बढ़िया जो चेयर होती है ना वैसे आप ओपन कर सकते हो। चौथी चीज इसके अंदर भाई आपको ऊपर और नीचे जाने का जो ऑप्शन है ना वो मिल जाता है और वो भी हैंडल के साथ, काफी चेयर में नहीं होता लेकिन इसके अंदर है इस बजट के अंदर भी। और इसकी जो रोटेशन है वो भी काफी स्मूथ है और बढ़िया तरीके से ये रोटेट भी करती है। क्वालिटी ठीक है इसकी, बिल्ड क्वालिटी मतलब मैं सोच रहा था 5000 रुपए के अंदर आई थिंक इसकी जो लुक है ना उसके हिसाब से कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो या फिर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीजें आई थिंक भाई इस प्राइस के अंदर ठीक मिल जाती है। बाकी कंफर्ट के लिए यहाँ पर दो कुशन भी दे रखे हैं, एक ये वाला जो आपके यहाँ गर्दन के पीछे आता है और ये आपके मतलब लंबर सपोर्ट के लिए बोलते हैं लेकिन ठीक ठाक काम कर जाता है। वैसे इतनी गुदगुदी नहीं है चेयर, मतलब कुशनिंग है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई कम बजट है उसके हिसाब से ये चेयर ऐसी कुछ मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर अच्छी चीजें तो मैंने बता दी लेकिन कुछ कमियां भी हैं वो और बताता हूँ। सबसे पहले ये जो चेयर है ना भाई आप देखोगे ना भाई हाइट काफी कम है इसकी, मतलब अभी ये सबसे लोअर पार्ट पे है, इसको जब ऊपर करोगे ना बस इतना सा जो पोर्शन है ना आई थिंक 2 या 3 इंच के आसपास वो ऊपर नीचे हो पाता, तो ये सबसे बड़ी कमी लगी मुझे। और अगली जो कमी लगी ना वो मुझे ये लगी भाई, देखो यहाँ पर ना जब मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ ना तो देखो इसको जो आर्म रेस्ट ना ये इसके अकॉर्डिंग ही मतलब ये आगे पीछे होते हैं, वैसे ये अच्छी चीज है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो पाते, ये चीज इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे। और जो अगली कमी लगी ना वो मुझे लगी भाई यहाँ पर ना 180 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब जब मैं इसे बाय कर रहा था ना तो इसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ कि ये फ्लैट हो जाती है अगर आप इसको ओपन कर देते हो, तो भाई ये वाला जो ऑप्शन है मैंने पूरा करके देख लिया वो ऑप्शन नहीं मिला मुझे इसके अंदर, खाली ये इतनी हो पाती है। और देखो कंफर्ट की अगर मैं बात करूं, देखो हर किसी से आपने ये बात सुनी होगी कि भाई गेमिंग चेयर के अंदर कंफर्ट नहीं होता, अब देखो मैं यहाँ पर इतनी बुराई भी नहीं करूंगा कि भाई गेमिंग चेयर के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, 5300 रुपए के हिसाब से आप कोई भी नॉर्मल अर्गोनॉमिक चेयर भी लाओगे ना वहां पर भी आपको कंफर्टेबल मतलब नहीं मिलेगी वो, और डिपेंड करता है कि अगर वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जो चेयर होती है ना मोटी मोटी बल्कि वैसी लाओगे तो वहां पर कंफर्ट मिलेगा। इस तरह की जो चेयर होती है भाई थोड़ी सी लुक वाइज होती है और मैं कहूंगा कि बजट के अंदर आ रही है तो भाई कंफर्ट ठीक मिल जाता है यहाँ पर।
तो मेरे हिसाब से यार 5300 रुपए के अंदर तो भाई बेस्ट चेयर लगी मुझे। गेमिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आप देख रहे हो कि बढ़िया कोई चेयर हो तो भाई आपको अनाप शनाप पैसे देने पड़ेंगे, 10-15 हजार रुपए कॉमन है। लेकिन यहाँ पर आपको रिक्लाइनर वाले जो ऑप्शन है वो मिल जा रहा है, साथ में ये जो कुशन वाले ऑप्शन है वो मिल जा रहे हैं, टिल्ट हो जा रही है सीट और बिल्ड भी काफी ठीक है, तो 5300 रुपए के हिसाब से वर्थ इट बोल सकते हो। और ये सबसे चीपेस्ट गेमिंग चेयर है ना वो अवेलेबल है Amazon पर, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है ना डिस्क्रिप्शन छोड़ दूंगा, अगर आपको बाय करनी है तो वहां से कर सकते हो। ये वीडियो पे खत्म कर रहा हूं, मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के अंदर।